हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यूज़ किया है जॉयस का मॉइस्चराइज़र क्रीम। इसे लगा के मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब्स हो जाए और मेरी स्किन ड्राई ना लगे। फिर नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये है लैक्मे का प्राइमर। इसे अप्लाई करने से आपके फेस पे स्वेटिंग नहीं होगी और आपका फाउंडेशन लॉन्ग टाइम तक रहेगा। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल पाउडर। उसके बाद इसे अच्छे से थोड़ा शेप में लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ फिट मी कंसीलर। इसे ब्रश के हेल्प से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर को हाथ से फिंगर के हेल्प से सेट कर लेंगे। उसके बाद लूज पाउडर से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना हो। फिर आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं इनर कॉर्नर पे और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे एक ही शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये है डार्क मैरून। पहले हल्की क्वांटिटी में लेके आप ब्लेंड करोगे इस तरीके से। बहुत लाइट लाइट लेके ब्लेंड करना है। उसके बाद एक कोट आप और करेंगे। एक साथ करोगे ना तो बहुत ही अलग सा पैची पैची सा लगेगा। तो इस तरीके से वी की तरह बनाते हुए मैंने ब्लेंड कर लिया है। देख रहे हो ना कितना इजी वाला आई मेकअप है। तो इस तरीके से हम दोनों आई में कंप्लीट करना है। एक ही आई में नहीं छोड़ना है, दोनों में कंप्लीट करना है ताकि आप और भी अच्छे दिखो। उसके बाद फिंगर के हेल्प से मैं सिर्फ फ्रंट पे रेड वाला गोल्डन वाला अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं फेस मेकअप स्टार्ट करूँगी। इसे यहीं छोड़ दूँगी इतने पे ही। उसके बाद मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो फेस के लिए मैंने लिया है एल्यूमिनेटर प्राइमर ताकि मेरा फेस थोड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी सा लगे। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का एल्यूमिनेटर प्राइमर। इसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद यूज़ करूँगी फाउंडेशन। ये है सुपर मैट फाउंडेशन फिट मी की। इसे ब्रश के हेल्प से इजी ब्लेंड करेंगे। उसके बाद प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अपने अंडर आई नोज को हाईलाइट करने के लिए। तो इसे डैप डैप करके अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका फेस केकी पैची जैसा न लगे। उसके बाद लूज पाउडर से सेट कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है सिवाना का लूज पाउडर। सिवाना का लूज पाउडर अच्छा है, येलो टोन का है तो आपके मेकअप को बहुत ही अच्छे से सेट कर देता है। उसके बाद यहाँ लगा रही हूँ स्टे क्वेरी का काजल। अगर आप एक अच्छा काजल चाहते हो ना, बोल्ड काजल, तो ये आप काजल डेफिनेटली ट्राई करना। एस्टे क्वेरी का है, बहुत ही सुपर ब्लैक काजल है, बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है। और यहाँ पे स्मॉल ब्रश के हेल्प से ये ब्राउन वाला शेड लेके यहाँ पे नीचे स्मच कर रही हूँ मैं लो वाटर लाइन में।
उसके बाद लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये लाइनर NY की है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल आई मेकअप है मेरा, सिंपल या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वाला लुक नहीं है, बहुत नेचुरल सा बोल सकते हो पार्टी के लिए। उसके बाद मस्करा यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेबेलिन की है, कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ NY के स्टिक कॉन्टोर, जो आपकी 100 रुपीस में मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने नोज़ को थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए नोज़ पे भी अप्लाई किया है मैंने। ऊपर की डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे, आप नीचे के साइड में मत करना, ऊपर के साइड में ब्लेंड करेंगे। मैंने पहले लिक्विड वाला यूज़ किया है स्टिक कंसीलर, उसके बाद यहाँ पे पाउडर वाला अप्लाई करूँगी ब्राउन शेड लेके, थोड़ा से इसे डार्क दिखाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लश, ये सिवाना का ब्लश है। फिर उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो के नीचे हाइलाइटर, चिन पे भी अप्लाई करूँगी, नोज़ पे अप्लाई करूँगी और चेक पे भी अप्लाई करके अच्छे से हाइलाइटर को सेट कर लेंगे। थोड़ा अच्छा फिनिश के लिए फिंगर से आप हाइलाइटर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा आता है। डे पार्टी मेकअप है तो बहुत सटल सा लुक रखा है, और ये पिंक वाला शेड है पर्पल का लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक। डे टाइम का पार्टी लुक मैंने रखा हुआ है तो बहुत ही नेचुरल सटल सा ग्लो है। तो कैसा लगा वीडियो?